हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक भूख बढ़ाने वाली एवं एंटी एलर्जिक मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो एबिटॉल 4 mg टैबलेट ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें साइप्रोहेप्टाडीन 4 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात की जाए तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 12 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस मेडिसिन के वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अप 4 mg टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, हेप्टिडिन 4 mg टैबलेट जिसे यूनिसन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, पेरिटॉल 4 mg टैबलेट जिसे थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, सिप्लिक्टिन टैबलेट जिसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और साइपन टैबलेट जिसे जीनो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी परचेस करके सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप देखते हैं इस मेडिसिन के प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इस मेडिसिन का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए एवं एलर्जी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन दो परिस्थितियों को अगर सामना कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से इन मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कॉमन साइड इफेक्ट तो वैसे बहुत स्पेसिफिक नहीं होती, परंतु आपकी भूख बहुत बढ़ जाती है, यही इसका कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए। किसी भी प्रकार से मेडिसिन को तोड़ना, चबाना, कुचलना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, परंतु यह अधिक बेहतर होगा कि आप मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लें। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यह मेडिसिन कैसे कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, जो यह टेबलेट होती है इसमें साइप्रोहेप्टाडीन होता है। यह एंटी मस्किरिनिक और जो शामक गुणों वाले जो एंटाहिस्टामिनिक जो मेडिसिंस होते हैं उनके समूह से संबंध रखता है। यह कुछ केमिकल मैसेंजर्स के जो रिलीज होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जो आपको आपके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपके साथ जो होने वाले एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें इस प्रकार यह दूर करने में आपकी मदद करता है। अब इसके बाद मेडिसिन के बारे में कुछ जो इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं यह जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेडिसिन के साथ में, मेडिसिन के आगे या मेडिसिन के पीछे आपको शराब का सेवन या अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह अत्यधिक असुरक्षित होता है और आपको किसी प्रकार के डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अगर आप गर्भावस्था में या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन को लेने के दौरान आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अनसेफ हो सकता है। यह आपके कंसंट्रेशन को लॉस करता है जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। यह जो मेरे द्वारा दी गई सारी जो विवरण है ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी स्थिति में मेरा वीडियो या मेरे वीडियो के आधार पर आप मेडिसिन का सेवन ना करें, यह घातक हो सकता है। अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें, यह आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर लगातार इस तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक लगातार आते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।